तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर। प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर, फर्स्ट प्रॉपर्टी होगा, आवाज नहीं, म्यूट कर लो। फर्स्ट हो गया आपका क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है कि इफ टेक टू नंबर देन देयर प्रोडक्ट सम एंड सब्ट्रैक्ट इज ऑलवेज होल नंबर। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी ये बोलता है कि अगर हम लोग टू नंबर्स को लेते हैं तो उसका प्रोडक्ट करें, ऐड करें एंड सब्ट्रैक्ट करें तो हम लोग ऑलवेज होल नंबर को ही फाइंड करते हैं। ठीक है, देखिए, इफ वी टेक टू होल नंबर देन देयर सम प्रोडक्ट एंड सब्ट्रैक्ट इज ऑलवेज होल नंबर। दैट मीन्स ए प्लस बी, ए माइनस बी एंड ए इंटू बी इज ऑलवेज होल नंबर। फॉर सब्ट्रैक्ट ए इज ग्रेटर देन बी, सब्ट्रैक्ट के लिए क्या होगा, ए ग्रेटर होना चाहिए बी से, अदरवाइज अगर ग्रेटर नहीं होगा तो ये निगेटिव में भी आ जाएगा, निगेटिव आएगा तो वो होल नहीं इंटीजर हो जाएगा। तो इसलिए सब्ट्रैक्ट में ए जो होना चाहिए ग्रेटर होना चाहिए बी से। ये आपका प्रॉपर्टी है, लिखेंगे या स्क्रीनशॉट करेंगे। देखिए, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर। एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर, इसमें क्या होगा कि फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लिखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव ऑफ एडिशन ऑफ होल नंबर्स, कहता है कम्यूटेटिव के लिए इफ ए एंड बी आर टू होल नंबर्स देन ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए
आर नॉन एज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, चलिए लिखेंगे या आगे बढ़े? मिटाए। अरे भाई, हाँ जल्दी लिखो, स्क्रीनशॉट करो फटाफट, स्क्रीनशॉट लो, जल्दी बोलो आगे बढ़े। हाँ ये था आपका कम्यूटेटिव ऑफ एडिशन, ऑफ कम्यूटेटिव ऑफ, हम दूसरा लिखवाएंगे मल्टीप्लीकेशन। ऑफ मल्टीप्लीकेशन है, इफ ए एंड बी आर टू नंबर्स देन ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए आर नॉन एज कम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट, कम्यूटेटिव ऑफ सब्ट्रैक्शन है, इफ ए एंड बी आर टू होल नंबर्स देन ए माइनस बी नॉट इक्वल, देखो यहाँ नॉट इक्वल होगा, बी माइनस ए आर नॉन एज कम्यूटेटिव ऑफ सब्ट्रैक्शन। ये टोटल हम जो लिखवा रहे हैं कम्यूटेटिव लॉ है, यहाँ भी कम्यूटेटिव लॉ है, नियम है, रूल्स हैं, तो इसलिए हम डायरेक्ट लिख दे रहे कम्यूटेटिव ऑफ सब्ट्रैक्शन या कम्यूटेटिव लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हो गया। लिखिए फटाफट। अब इसी में लिख दे रहे हैं कम्यूटेटिव ऑफ डिवीजन, ऑफ डिवीजन, डिवीजन में भी नॉट इक्वल होगा, यानी कि डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं इस प्रॉपर्टी को, इफ ए एंड बी आर टू होल नंबर्स देन ए डिवाइड बी नॉट इक्वल बी डिवाइड ए आर नॉन एज कम्यूटेटिव लॉ ऑफ डिवीजन। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नॉट इक्वल होगा और एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में इक्वल होगा। चलिए आगे बढ़े हैं। टेल मी, डू आई क्लीन?
इसको हम क्लीन करें। अनिकेत पढ़ रहा है जी। है अब हम लोग चलते हैं एसोसिएटिव ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ लिख दे रहे हैं सीधा सीधा ना। फर्स्ट इसमें कर दे रहे हैं सीधा सीधा हम लिख दे रहे हैं एडिशन का। इफ ए बी एंड सी आर थ्री होल नंबर्स देन ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी आर नॉन एस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। सेकेंड एडिशन का हो गया, सब्ट्रैक्शन का। अब सब्ट्रैक्शन में देखेंगे आप लोग ऐसे ही लिखेंगे इफ ए बी एंड सी आर थ्री होल नंबर्स देन, इसमें भी वहां तक जल्द दिखाएगा, देन के बाद ए माइनस बी ब्रैकेट में ए माइनस और ब्रैकेट बी माइनस सी नॉट इक्वल ए माइनस बी ब्रैकेट में फिर माइनस सी आर नॉन एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। ठीक है, एडिशन का हो गया, सब्ट्रैक्शन का। थर्ड मल्टीप्लिकेशन का, मल्टीप्लिकेशन अभी वैसे ही लिखेंगे If A, B and C are three whole numbers, then A multiply bracket B multiply C equal A multiply B bracket में उसके बाद multiply C are known as associative property of multiplication। ये हो गया आपका। Fourth division, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन क्या बोलता है, इफ ए कॉमा बी एंड सी आर थ्री होल नंबर्स देन ए डिवाइड ब्रैकेट में बी डिवाइड सी इक्वल टू काट देंगे करके नॉट इक्वल लिखेंगे, ए डिवाइड बी ब्रैकेट में और लास्ट में डिवाइड सी आर नॉन एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन। इतना लिखिए जल्दी फटाफट। हाँ रुके हैं रुके हैं। हो गया, ओके
ये प्रॉपर्टी आपका रहा, उसके बाद एक प्रॉपर्टी है और लिखवा रहे हैं, एक दो मिलेगा आप लोगों को, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी ध्यान से देखिए, एडिटिव आइडेंटिटी में क्या होता है, व्हेन जीरो, यह जीरो आपका इज एडेड इन एनी होल नंबर देन वी ऑब्टेंड, ठीक है, देन वी ऑब्टेंड गिवन ऑब्टेंड गिवन होल नंबर, दैट मीन्स ए प्लस जीरो इक्वल टू जीरो प्लस ए इक्वल टू ए आर नॉन एज एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है, हेयर एडिटिव आइडेंटिटी इक्वल टू जीरो, हम लोग जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, ठीक है। और देखिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, अब सीधा सीधा हम लिख दे रहे हैं, अब टू होल नंबर यहां नहीं लिख रहे हैं, सीधा क्या होगा, ए इंटू वन इक्वल टू वन इंटू ए इक्वल टू ए आर नॉन एस एडिटिव, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव ना, मल्टी एप्लीकेटिव आइडेंटिटी, हेयर मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी इक्वल टू वन, वन को हम लोग मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी कहेंगे, क्योंकि वन से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर ही मिलेगा, वैसे जिसमें ये लिखे गिवन होल नंबर उसमें भी लिख लेंगे टोटल, वेन वन यहाँ लिख देंगे जीरो का जगह पर, वन इज मल्टीप्लाई इन एनी होल नंबर देन वी ऑब्टेन गिवन होल नंबर दैट इज ये ए इंटू इक्वल टू वन इंटू ए इक्वल टू ए आर एज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, तो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी कौन हुआ, तो वन हुआ, हो गया। सभी लोग लिख लिए बालक, बोल नहीं रहा है कोई, क्या बात है,
तो इतना ही प्रॉपर्टी है। वैसे जो वर्ड आउट एग्जांपल देता है वो प्रॉपर्टी का, वो भी हम भेज देंगे आप लोग के ग्रुप में। फिलहाल आप लोग क्या जो लिखवा दिया हूँ इतना ही प्रॉपर्टी है, बाकी एक्सरसाइज है। तो हम एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। इस प्रकार आप लोग का टोटल प्रॉपर्टी एंड हुआ।